नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ मास टाइड टू अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड एज शोन एट द पॉइंट पी द स्ट्रिंग ब्रेक्स द मास विल रीच अ हाइट पी हाइट अबव पी ऑफ नियरली दिस वैल्यू वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सेवन फाइव या वन पॉइंट टू फाइव ये चार वैल्यू दे रखी है जी एम ए का टेन ले सकते हैं नाउ इस पॉइंट पर अगर आपकी स्ट्रिंग ब्रेक होएगी तो क्योंकि आपके पार्टिकल की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वो पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आपका मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा ठीक है हमें बताना है कि यहाँ से आपकी एच हाइट कितनी होएगी इस पी पॉइंट के ऊपर ना ये आपका एक्चुअली सवाल कानेटिक्स का सवाल है कि इस पॉइंट पे अगेन सर्कुलर मोशन का सिर्फ यहाँ पे आ, ये नॉलेज यूज़ हो रही है कि इस जगह पे अगर रस्सी ब्रेक हुई है तो क्योंकि उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इसलिए वो वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पर हम एच को डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कानेटिक्स में हमने इसे पढ़ा हुआ है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी विच एम्प्लाइज एच की जो वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर आपकी यू की वैल्यू हमें फाइव मीटर पर सेकेंड दी हुए सो so हम फाइव यूज़ कर लेंगे सो दिस विल भी इक्वल टू फाइव इंटू फाइव डिवाइड बाई टू इंटू टेन सो ये बन गया आपका ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि आपकी एच की जो वैल्यू है वो आ गई वन पॉइंट टू फाइव मीटर हालांकि विच एम्प्लाइज ऑप्शन नंबर फोर वुड बी द राइट आंसर